दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और सबसे बड़ी खबर पर। कब मसला हल होगा किस्मत कॉलोनी परिसर के लोगों का? आप सबको पता होगा पिछले हफ्ते में हमने आपको एक फुटेज बताई थी जहां पर किस्मत कॉलोनी के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में आवाज़ उठाई थी और उनका कहना था कि जो रास्ते का काम अधूरा है स्थानीय नगर सेवक उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। जबकि एक चैनल के इंटरव्यू पर स्थानीय नगर सेवक ने अपने माध्यम से कहा था कि पानी पुरवठा विभाग की तरफ से इलीगल टैपिंग को काटना है इसलिए हम लोग ये काम अधूरा छोड़े हुए। वहीं हमने जब खुद पर्सनली पानी पुरवठा विभाग के जो वागुले साहब हैं उनसे बात की तो उन्होंने इस की चीज़ को लेकर किसी भी जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें कुछ पता नहीं है। हेलो नमस्कार साहब। नमस्कार सर, मैं मुमरा एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रफ्तान। हाँ बोलिए सर। वो किस्मत कॉलोनी का जो मैटर है वो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? जो छोटा सा एक कॉर्नर का जो जहाँ पर आपका पाइप का लाइन गया हुआ है, ठीक है, शहबाज भाई ने लास्ट इंटरव्यू में प्रहार टाइम्स के इसमें क्या बोले थे कि वागुले साहब ने हमारे को मना किया क्योंकि थोड़ी उनको इलीगल टैपिंग कट करनी है इसलिए हमने माल नहीं डाले। पानी इधर की बात कर रहे हैं, किस्मत कॉलोनी में एग्जैक्ट किस्मत बेकरी के आगे सिद्धि की बात के बाद। हाँ तो वो शहबाज वाला ऐसा बोले थे पानी पुरवठा विभाग की ओर से हमारे को मना किया गया है क्योंकि वहाँ पर इलीगल टैपिंग है तो उनको वो इलीगल टैपिंग काटनी है तो इसलिए हम लोग ने माल नहीं भरे। एक्चुअली वो रोड बहुत छोटा है, स्कूल छुट्टी ना सर, तो ठीक है ठीक है। किससे बोला था ऐसा? ये प्रहार के इंटरव्यू में शहबाज भाई ने पानी पुरवठा विभाग का नाम लिए बाकायदा, अपना नसरू भाई का लड़का ना शहबाज नायक। चलो ठीक है, बात कर रहा हूँ, पहले बात करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपका ऐसा कुछ प्रोसीजर है तो आप बता रहे क्योंकि पब्लिक बार बार हम लोग को भी फोन कर रही है, पूछना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तो फोन करता हूँ क्या प्रॉब्लम। जी सर प्लीज, आज रिक्वेस्ट है जरा। अब सवाल हमारा सबसे बड़ा ये है कि स्कूल का रास्ता है दोस्तों, आए दिन वहाँ पर बुजुर्ग लोग आते जाते जो स्लीप हो जाते, किसी दिन ना किसी दिन कभी कोई बड़ा हादसा हो गया अल्लाह ना करे तो कोई ना कोई की जान जा सकती है। आप देख सकते हैं इस फुटेज में कि कैसे एक बुजुर्ग संभलते हुए उस रास्ते से गुजर रहे हैं और स्थानीय लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं हमारी आज की खास फुटेज से। नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं खतीजा हॉल परिसर में जहाँ पर नूरजा टावर के पास। आप देख सकते हैं रास्ता कैसा खोदा गया है, लगभग 8 से 10 दिन हुआ है इस चीज़ को लेकर, नगर सेवक ने ना ही कोई काम करवाया है और ना ही कोई इसमें उन्नति दिख रही है। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? खान तैयब। तैयब भाई, हमें पता चला कि ये जो रास्ता खुदा है जो लगभग 8 दिन हुआ है, काफ़ी लोग गिर रहे पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर नगर सेवक लोगों ने कुछ काम करवाया नहीं आगे? नहीं, कुछ नहीं काम हुआ है, अभी ये 10 दिन से खोदा हुआ है, बाकी अभी तक कोई कुछ नहीं आया देखने, बस खोद के चले गए एक ही दिन में, उसके बाद कोई नहीं आया देखने। आप लोगों ने कोई वजह जानने की कोशिश की आखिर क्यों ऐसा कर रहे लोग, इतना टाइम क्यों लगा रहे? नगर सेवक कोई आता ही नहीं तो क्या वजह जानेंगे, कोई इधर तो देखने ही नहीं आता है। इधर बच्चे गिरते, स्कूल के टाइम इतनी पब्लिक रहती इधर, मगर किसी को होश ही नहीं इधर आके देखे। ये रास्ते से लोग मस्जिद में भी आते जाते? हाँ, इधर मस्जिद है, रजा मस्जिद है, इधर आगे भी मस्जिद है, मगर किसको क्या बोले, कोई नगर सेवक मिले तो बोले ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एक ज़ईफ़ शख्स यहाँ से जा रहे थे, उन्हें उतरने में काफ़ी दिक्कत हुई, तो रात के वक्त में तो ऐसे लोग गिरते होंगे ज़रूर? आराम बहुत बहुत गिरते हैं, अब किसको क्या बोलें आप बताइए। हम एक और शख्स से जिनकी दुकान है यहाँ पर बिल्कुल उस स्पॉट के सामने है जहाँ पर रास्ता खोदा गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपका नाम? इरफान। इरफान भाई, ये रास्ता कितने दिन से खोदा हुआ है? 8 से 10 दिन हो गया सर। और लगभग 8-10 दिन में कभी कोई नगर सेवक यहाँ पर काम कराने के लिए आया? नहीं आया सर, और नहीं गया इधर से, लेडीज़ लोगों को चढ़ने भी तकलीफ होती, दुकान के अंदर कोई आता भी नहीं। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी नुकसान हो रहा है? हम लोगों को भी नुकसान हो रहा है, और ये रास्ते से कितने लोग गिर रहे भी है रोज़ रात के वक्त। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जब स्कूल का जगह है, मस्जिद की जगह है, तो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते होंगे शाम के वक्त। दिन में भी पब्लिक गिरती है यहाँ पर, रोड खड्डा है इसके लिए, रात में भी गिरते हैं, दिन में भी गिरते हैं। आइए हम जानते हैं नूरजा टावर के स्थानीय लोगों से जो रहवासी है कि आखिर क्या माजरा है और ये रास्ता खोद के कितने दिन हुए हैं और क्या क्या हादसे यहाँ पर हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई आपका नाम? वलीद शेख। वलीद भाई, हमें पता चला कि लगभग 8-10 दिन हुआ है ये रास्ते को खोदकर यहाँ पर नया रास्ता बनाने की जो मुहिम चालू थी नगर सेवक की ओर से, लगभग 10 से 12 दिनों में काफ़ी लोग गिरे पड़े ऐसा सुनने आया हमें। यहाँ तो 10 दिन से तो खोद दिए ही, खोदने तक तो कितने लोग गिरे, उसके बाद भी ये खोद के जब जाके हो गया है 10 दिन से कम लगभग मेरे CCTV में 10 से 12 जन तो गिरे हैं। यहाँ आपको मैं दिखा सकता हूँ, एक पाइप बाहर है, अब उसको काट भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, तो लकड़े से ढक के रखे। और स्थानीय लोगों की एक और परेशानी है कि म्यूनसिपालिटी की ओर से जो झाड़ू वाले लोग आते हैं, कचरे वाले लोग, तो हमें ऐसा पता चला है कि ये जो स्लैब है जो नाला गया है ड्रेनेज का,
यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई जाती, ना ही आपके बिल्डिंग के सामने लगाई जाती। मैं आपको बता देता हूँ सर, झाड़ू वाले को मैंने सुबह 6 बजे 4 से 5 बार टच किया हूँ, वो बोलता है सिर्फ मैं खदीजा हॉल तक झाड़ूंगा और उसके आगे आऊँगा ही नहीं। इसकी कोई स्पोर्ट हो जा रही नहीं है, ये हमारे अंदर ही नहीं है ये। तो ये किसके अंडर आता है? वो पता नहीं, पूछे कंप्लेन किया मैं, फिर वो अपने कौन से गाजी साहब है उनको भी 3-4 बार कंप्लेन किया, तो वो कचरा उठाए, क्योंकि बीच बीच में कोई झाड़ू मारता नहीं है तो जमा होते जाता है, 2 से 3 बार उठाए, लेकिन वो झाड़ू वाला बोलता है मेरी हद वहाँ तक है, इसके आगे आऊँगा ही नहीं। इस चीज़ को लेकर आपने कभी स्थानीय नगर सेवक से बात की? सब जगह कंप्लेन किया, हाफिजा नायक को कंप्लेन किया, सब जगह कंप्लेन किया, सुनवाई हाँ हाँ होगी लेकिन आगे होती नहीं है कुछ, बस यही है। तो दोस्तों ये तो नूरजा पैलेस के रहवासी, देखिए आप जान सकते हैं कि क्या हाल बना हुआ है यहाँ पर, ना ही कोई झाड़ू वाला आता है। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते से इन्होंने खुद कहा है इनके पास CCTV फुटेज में 10 से 12 लोग गिर चुके हैं। मतलब ये है कि अगर यदि कोई बड़ा हादसा होता है, गिरने से किसी ज़ईफ़ इंसान की जान चली जाती है, तो जब जाके आँख खोलेगा हमारा प्रशासन। मैं हमारे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से विनती करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रास्ते का हाल क्या बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अंधेरे के वक्त में अगर इंसान जाएगा यहाँ से तो उसे ये चीज़ कहाँ से दिखेगी। कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा होगा, अल्लाह ना करे कभी किसी की जान चली जाए इस चीज़ को लेकर। मैं हमारे तमाम व्यूवर्स से विनती करूँगा, साथ साथ स्थानीय नगर सेवक से भी हमारी विनम्र अभिनंदन है कि इस चीज़ को लेकर जल्द से जल्द काम करवाए, अथवा कोई बड़ा हादसा होगा तो लोग आप लोग को ही पकड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।